नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए वी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज 78 सीरीज़ के जो वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ है उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। डिटेल में आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है और इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, कहां कहां आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लें। तो सबसे पहले जो है मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो 78 सीरीज़ है वो है एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़, डीसी वोल्ट को, ठीक है, पर्टिकुलर वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 78 सीरीज़ का एक आईसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5 वोल्ट लेता हूँ, 7805, ठीक है, आप जानते ही होंगे 7805 के बारे में, 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। बीच वाला पिन आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड आपका कॉमन है, आउटपुट में भी वही ग्राउंड रहेगा, और लेफ्ट वाला पिन आपका इनपुट है। इनपुट पे आप 7 वोल्ट से लेके आप 35 वोल्ट तक इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, आउटपुट जो है +5 वोल्ट आएगा, ठीक है। राइट साइड वाला लेग आपका आउटपुट होगा, मिडिल वाला आपका ग्राउंड। तो इस तरह से ये काम करेगा 7805 में। अगर यहाँ पे आप 7800 इसके जगह पे 7806 देंगे तो यहाँ पे 6 वोल्ट जो है सप्लाई आएगा। अगर यहाँ पे 9 देंगे तो 9 वोल्ट सप्लाई आएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका जो है ये सीरीज़ है 78 सीरीज़, ये पूरा सीरीज़ आपका जो है इस तरह काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। मेरे पास अभी आप देख सकते हैं ये 7805 है, ठीक है, इसे देख लीजिए, ये 7806 है और ये जो है 7809। मेरे पास अभी 3 ही अवेलेबल है, लेकिन इसका जो है 7805, 7806, 7809, 12, 15, 18 और 24 ऐसे आता है सीरीज इसका। ये मैंने हीट सिंक पे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, 7805 है, आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ, ये 78 देख सकते हैं 7805 है। तो इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, और ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मेरा जो है डीसी सप्लाई जो 10 वोल्ट का है मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा मल्टीमीटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ सप्लाई चेक करके, 20 वोल्ट डीसी को रेंज पे रख के मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, वाइट वाला मेरा पॉजिटिव है, ब्लैक वाला मेरा नेगेटिव है, ठीक है। सप्लाई 10 वोल्ट, ठीक है, 10.34 वोल्ट है। तो इसी के साथ मैं इसको आपको करके दिखाने वाला हूँ कैसे ये 5 वोल्ट को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया था, लेफ्ट वाला लेग आपका पॉजिटिव इनपुट होगा, ठीक है। तो इसको सोल्डर कर देते हैं ये, और जो ब्लैक वाला है मिडिल वाला हमारा ग्राउंड है, ठीक है, मिडिल पे सोल्डर कर देते हैं। मैंने सोल्डर कर लिया है, अभी मैं आपको जो है चेक करके दिखाता हूँ कि इसके राइट वाले लेग पे कितना वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। नज़र डालिए मल्टीमीटर पे, ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। राइट वाला लेग हमारा पॉजिटिव आउटपुट होगा, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव आउटपुट पे अपना जो मल्टीमीटर का रेड वाला प्रोब रख लिया है, और जो बीच वाले में मैं ब्लैक वाला प्रोब रख रहा हूँ। देखिए 4.98 अप्रोक्सीमेट 5 वोल्ट का आउटपुट ये कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो आप 7805 लगा सकते हैं, आपको 6 या 9 वोल्ट चाहिए या 12, 15, 18, 24 जो भी आपको चाहिए, तो आपको उसी रेंज का जो है, आपको उसी नंबर का जो है लेना पड़ेगा 78 सीरीज़ का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, आप 7805 का यूज़ करेंगे लेकिन आपका इनपुट जो होगा वो इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जो 5 वोल्ट है उससे ऊपर होना चाहिए, 5 वोल्ट से आपका इनपुट ऊपर होना चाहिए। अगर आप
चाहते हैं कि आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो आपको मिनिमम 5 वोल्ट के ऊपर जो है यहाँ पे इनपुट पे सप्लाई देना पड़ेगा, फिर जाके आपको 5 वोल्ट आएगा। जैसे कि आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आपको इनपुट सप्लाई जो है 9 वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा, 10 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, फिर जाके आपका जो है 9 वोल्ट आउटपुट आएगा। तो जितना आपका रिक्वायरमेंट है ठीक है, उतने नंबर का आपको जो है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगाना है, और आपका इनपुट वोल्टेज भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, फिर जाके ये कन्वर्ट करेगा ठीक है। तो ये कम से ज़्यादा को कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये ज़्यादा से कम को कन्वर्ट करता है ठीक है। तो यही था इसका सिस्टम। और अगर आप जो ऑडियो सिस्टम पे काम करते हैं या फिर किसी और चीज़ में आप काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आपको तो पता ही होगा कि 7805 बहुत आजकल यूज़ हो रहा है ठीक है। तो आप इसको सेफ्टी के तौर पर लगा सकते हैं, अगर आपका कहीं किसी सर्किट में आपका जो है 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, आप 7805 का यूज़ कर सकते हैं ठीक है। हीट सिंक लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये थोड़ा हीट होता है, ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ये आराम से आपको मार्केट में जो है 10 या 12 रुपये के अंदर मिल जाएगा, और वैरायटी जो है इसका आता है ठीक है। 7805 जो है नंबर के हिसाब से जो है जो पैसा इसका जो है वैरी करता है ठीक है। अगर आप 7806 या 9 लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ सकता है ठीक है, उसी हिसाब से ये जो इसका है पैसा पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।